हाई एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 14 अप्रैल 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड दीज वीडियोस हेल्पफुल, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ यू हैवन डन दैट। देखिए, आज की वीडियो में हमें पुलिस इनकाउंटर्स या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, इस टॉपिक से रिलेटेड एथिक्स की केस स्टडी, या जो भी पॉसिबल GS2 या GS1 का क्वेश्चन बन सकता है, हर एक प्रोबेबल पॉसिबल क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि किन केसेस में ये जस्टिफाइड है, किन केसेस में नहीं जस्टिफाइड है, क्यों एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स बढ़ती जा रही हैं इन तरह के केसेस, बहुत सारे हम केस स्टडीज को भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। ऑफकोर्स आप इसका कॉन्टेक्स्ट जानते हैं, क्या न्यूज़ है वो भी जानते हैं हम। ऑफकोर्स वहाँ पे जो लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है वो भी देखेंगे, NHRC की गाइडलाइंस क्या है वो भी देखेंगे, क्योंकि आपको मेंस के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के भी परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेकिन वी वुड नॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू दैट पर्टिकुलर डिस्कशन ओनली, क्योंकि जो भी पॉसिबल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम उसकी डिस्कशन आज करेंगे। इससे ज्यादा आपको कहीं पे जाके कुछ पढ़ने की या सुनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, आप प्लीज आज के वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब देखिए, जो आज का हम पहला आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, द हिंदू का एक आर्टिकल, मोदी रिकॉल्स एंशंट तमिल इंस्क्रिप्शन ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। आप देखिए, आप जानते हैं कि तमिलनाडु में तमिल न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो बेसिकली उन सेलिब्रेशंस के दौरान ही, और ये पहली बार नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं, ये थर्ड टाइम है, और थर्ड टाइम हम इस बेसिकली कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं, PM मोदी द्वारा ही बोला जाना कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, है ना। तो ये चीज़ हम बहुत बार प्राइम मिनिस्टर के मुँह से सुन चुके हैं। तो उत्तर मरूर इंस्क्रिप्शन हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑलमोस्ट हर बार मेंशन कर रहे हैं, तो आपके इस बार के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि उत्तर मरूर इंस्क्रिप्शन थी क्या, कौन से पीरियड में हुई, वो सब कुछ अभी हम देखेंगे। लेकिन साथ ही यहाँ के मेंस यानी कि GS1 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पे आपको एक बहुत अच्छा मटेरियल प्रिपेयर करके जाना है। हम ऑलरेडी 2 से 3 बार इसके आंसर भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप क्या लिखेंगे, कैसे इंडिया इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैग्ना कार्टा जब पूरे संसार को नहीं मिला था, उससे पहले भारत में डेमोक्रेसी की रूट्स थी, या फिर अगर बहुत लोग ये मानते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमें डेमोक्रेसी की असल अकल आई थी, क्योंकि हमें रूल ऑफ लॉ, बहुत सारी चीज़ें उनकी वजह से पता चली, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है। लेकिन कैसे इंडिया इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, आप लिखेंगे बुद्धिस्ट संघास के बारे में, आप उत्तर मरूर इंस्क्रिप्शन जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, आप इसके बारे में मेंशन करेंगे, और क्या लिख सकते हैं आप महाभारत के बारे में लिख सकते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जब अभी से आई थिंक 15 दिन पहले जब बोला था दैट इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तब उन्होंने कहा था कि देखिए महाभारत पढ़िए, महाभारत से हमें क्या पता चलता है कि उसमें ये बात लिखी है कि सिटीजन्स की सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है, अपने लीडर को इलेक्ट करना, ठीक है, सही लीडर को चुनना आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी है, महाभारत से हमें ये पता चलता है, ऋग्वेद से हमें पता चलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिख के आप बेसिकली अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। असेंबलीज, संघास, यू वुड राइट अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओके। तो यहाँ से हमें ये सब कुछ पता चलता है, ठीक है। तो आंसर तो हमने देख लिया, लेकिन आपको उत्तर मरूर इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्या पता होना चाहिए। देखिए, आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाता है, राइट, बहुत बार प्रीलिम्स में, तो इसमें या फिर अगर ऑप्शंस भी हम देखें तो आपको चालुक्य या कौन से पीरियड में हुआ था, तो देखिए चोला पीरियड, बेसिकली ये जो 10th सेंचुरी की इंस्क्रिप्शन की बात करी जा रही है उत्तर मरूर इंस्क्रिप्शन की, वो एक चोला पीरियड की इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे कहते हैं कि जिस डिटेल में ग्राम सभा का कॉन्स्टिट्यूशन या कैसे ऑर्गेनाइज की जाएगी ग्राम सभा, जो इस इंस्क्रिप्शन में लिखी है ना, कि कैसे अगर कोई इंसान कोई एक मेंबर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सही काम नहीं कर रहा तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, या फिर राइट टू रिकॉल, अगर हमने एक चुना है, अपना नियुक्त किया है एक लीडर और वो सही से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा, तो राइट टू रिकॉल, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हमें यहाँ से पता चलता है।
वो इसमें मेंशनड है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन में। तो बेसिकली अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो क्या हुआ करता था, जैसे एक सभा है, ठीक है, अब सभा को अगर आपने गवर्न करना है ना, तो सेपरेट कमिटीज होती हैं। तो वैसे ही एक कमिटी इरीगेशन संभालेगी, एक कमिटी टेम्पल्स को देखेगी, ये सारे डिफरेंट हेड्स के अंडर कमिटीज होती थी, ठीक है। तो बेसिकली अब आपने एक कमिटी का मेंबर बनना है या फिर आपने एक कमिटी को लीड करना है, ठीक है, लीडर बनना है एक कमिटी का, तो हर एक डिफरेंट कमिटीज के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट है ना, उनकी चिट्स बनाई जाती थी। चिट्स में क्या होता था, बेसिकली उस समय पेपर या ऐसा तो कुछ नहीं था, तो पाम लीफ के ऊपर स्मॉल टिकट्स बनाई जाती थी, उस पर जो एलिजिबल मेंबर्स थे है ना, उनका नाम लिखा जाता था, और उन चिट्स को बेसिकली डिफरेंट कमिटी के लिए डिफरेंट अर्दन पॉट्स में बेसिकली डाल दिया जाता था, ठीक है। तो फिर एक जो यंग बॉय हुआ करता था पूरी सभा में है ना, सबसे छोटा बच्चा मोस्टली कोशिश करते थे, पर जो भी यंग बॉय हुआ करता था उसको बुलाते थे, और फिर वो एक टिकट निकालता था वन बाय वन हर कमिटी के लिए, और जो निकलता जाता था वो बेसिकली होता था आपके कमिटी का लीडर, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली ऑर्गेनाइज था। राइट टू रिकॉल के बारे में हमने अभी देखा, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें लिखी हुई थी। तो बेसिकली जब मैं आपको 10th सेंचुरी की इंस्क्रिप्शन बोल रही हूँ, तो 920 AD के आसपास बेसिकली ये इंस्क्रिप्शन का डेट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने रिसेंटली मन की बात में भी प्राइम मिनिस्टर द्वारा उत्तर मरूर इंस्क्रिप्शन का मेंशन देखा था, तो इसीलिए क्योंकि इतनी बार मेंशन हो गया है तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये इंपॉर्टेंट है ही क्यों, ठीक है। तो अब देखिए हम इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन के जितने भी आर्टिकल्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर एथिक्स की केस स्टडी भी वहीं पर देखेंगे जो वहाँ लिखी है। ओके, बिहाइंड द कुर्मीज एजिटेशन फॉर ST स्टेटस। अब आप इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपके प्रेलिम्स के परस्पेक्टिव से आपको ट्राइब्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, कि अगर एक पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप का वहाँ नाम लिखा है, जैसे हमने ईडू मिशमीज के बारे में अभी रिसेंटली देखा, तो हम उसे क्यों देख रहे थे, क्योंकि ईडू मिशमीज न्यूज़ में इसलिए है कि क्योंकि वो दिबांग टाइगर रिजर्व, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व नहीं बनने देना चाहते। तो अब ऑफकोर्स मैंने आपको बताया मिशमी हिल्स कहाँ हैं, वो अरुणाचल प्रदेश में है, तो ईडू मिशमीज भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप बिल्कुल कॉमन सेंस अपनी लगाइए, आपसे मैच द फॉलोइंग या कैसे भी पूछ लिया जाए कि सबसे इन नीचे दिए गए पेयर्स में से कितने पेयर्स ठीक हैं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने ये सारे थोड़े जनरली आप अवेयर हैं कि कहाँ कहाँ ट्राइबल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे ईडू मिशमीज आर ऑल्सो प्रोटेस्टिंग, ऑल्दो एकेडमिकली दे आर डूइंग दैट, केस उन्होंने दर्ज किया है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हमने देखा है, एक हफ्ते की प्रोटेस्ट चली है वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, कुछ पार्ट्स में वेस्ट बंगाल और झारखंड के, कुर्मी यू नो कम्युनिटी की, या कुर्मी कम्युनिटी जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली डिमांड कर रहे हैं स्केड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। तो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन ही आपको कुर्मी ट्राइब पे मिल जाए और उसमें लिखा है कि दे आर अ वेरी प्रोमिनेंट स्केड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी ऑफ इंडिया, दैट्स रॉन्ग, दे आर डिमांडिंग ST स्टेटस। तो ये तो बिल्कुल न्यूज़ ही है। अगर आपको न्यूज़ पता है सिर्फ कि वो प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, तो बस आपका यहाँ से पहली स्टेटमेंट आपको एलिमिनेट करते हुए मिल जाती है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि देखिए हमें ST स्टेटस मिले और हमारी जो लैंग्वेज है कुर्माली को बेसिकली इंक्लूड किया जाए 8th स्केड्यूल में संविधान के, भारत के, ठीक है। तो ये चीज हम बेसिकली देख रहे हैं। वेस्ट बंगाल यू नो बेसिकली जो एरिया है वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का एरिया है, वहां पे बेसिकली ये कॉन्सेंट्रेटेड है इनकी पॉपुलेशन। इट इज़ अ पीजेंट कम्युनिटी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ऑल्दो कुछ जो कुर्मीज हैं वो हमें असम या नदन वेस्ट बंगाल में भी मिलते हैं, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू से बेसिकली माइग्रेट कर गए थे। अगर हम ब्रिटिश एरा की बात करें तो स्केड्यूल ट्राइब में या अब ओरिजिनल कम्युनिटी में हुआ करते थे। तो आपको ये भी एक फैक्ट है जो पता होना चाहिए। फिर आप सोचेंगे ऐसा क्या हो गया कि यू नो पहले अगर कोई ST स्टेटस किसी के पास था वो चला कैसे गया, है ना। तो यहाँ पे जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे देवर रिगार्डेड एज अ प्रिमिटिव ट्राइब, लाइक मुंडा, सांथाल, है ना, खाड़िया, तो भूमिज, ठीक है, इन सारे ट्राइब्स के तरह ही प्रिमिटिव ट्राइब इन्हें गिना जाता था। तो फिर क्यों एक्सक्लूड हो गए लिस्ट? जैसे देखिए 1950 के बाद जब स्केड्यूल ट्राइब लिस्ट प्रिपेयर की गई इंडिपेंडेंट या आज़ाद भारत की, तो उसमें कुर्मीज का कोई मैंशन नहीं था।
कुर्मीज का ये कहना है कि देखिए ब्रिटिश एरा के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास प्रूफ के रूप में हैं जिसमें हमें एक ट्राइबल स्टेटस मिला हुआ था, तो हमारी आइडेंटिटी दोबारा रिस्टोर करके दें। ठीक है, तो देखिए व्हाई वर दे एक्सक्लूडेड, अब क्वेश्चन तो ये है कि एक्सक्लूड कैसे हो गए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी मेंबर्स जब ब्रिटिश रूल था तो कुछ एफ्लुएंट, कुछ पढ़े लिखे या थोड़े अमीर जो कुर्मीज थे, है ना, उन्होंने क्या, वो उनकी ये चाहत थी कि उनका सोशल स्टेटस एलिवेट किया जाए या उन्हें सोशल मोबिलिटी मिले। कैसे, आप जानते हैं, है ना, संस्कृताइजेशन और ये सब वगैरह जब हम पढ़ते हैं, आप अपने GSN में पढ़ते हैं सब कुछ, तो वैसे ही ऐसे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने सोचा था कि हम क्या करें, खुद को क्षत्रिय बनाएं हिंदू कास्ट हायरार्की में, है ना, तो वैसे ही एक सपना ये भी था। ठीक है, तो बहुत सारे एफ्लुएंट कुर्मीज ने उस समय यू नो क्षत्रिय स्टेटस को और यू नो अडॉप्ट करना शुरू किया, तो वैसे ही यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन अभी भी यू नो रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि मेजॉरिटी जो कुर्मीज हैं वो अभी भी अपना ट्रेडिशनल रिलीजन और लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे पता चलती है। और कई लोगों का कहना ये भी है कि कुर्मीज को ST स्टेटस इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि हिंदू कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये दिखाना था हिंदू मेजॉरिटेरियन हम देश में कि हिंदू यहाँ ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए हमें ST स्टेटस नहीं दिया। तो अब डिमांड क्या है फाइनली प्रोटेस्ट की, डिमांड ये है कि हमें, इन्होंने कहा है कि देखिए हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए और ना ही हम उसके लिए एजिटेट कर रहे हैं, हमारी मेन डिमांड ये है कि हमें ST लिस्ट में डाल दीजिए कुर्मीज को, हमारी जो लैंग्वेज है जैसे मैंने आपको बताया कुर्माली, आप इसको 8 स्केड्यूल में डाल दो संविधान की, और साथ ही में जो हमारा रिलीजन है उसे रिकॉग्नाइज करो, सरना रिलीजन। ठीक है, बस इतना ही चाहिए, हमें तीन डिमांड्स हैं हमारी, इसे पूरा कर दो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से देखिए आपने अभी अगर आपने PYQs कवर किए हैं तो आपको पता होगा बहुत बार लैंग्वेजेस भी पूछ लेते हैं, सांथाली इस पे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो कुर्माली आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आती है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अतीक अहमद सन किल्ड व्हाट एपेक्स कोर्ट NHRC हैव सेड ऑन एनकाउंटर्स। अब देखिए आप जानते हैं जो अब रिसेंटली अभी हमने डिस्कस किया था अतीक अहमद के बारे में, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में, राइट, तो जो गैंगस्टर टर्नड पॉलिटिशियन अतीक अहमद, उनके जो बेटे थे असद अहमद और उनके एक एड गुलाम हुसैन, सो देवर किल्ड बाय एन उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स टीम इन एन एलिज्ड एनकाउंटर इन झांसी। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे हमें न्यूज़ है और ये बात ऑफ कोर्स आपको पता है। अब हमें क्या डिस्कस करना है यहाँ पे, देखिए सब इससे पहले कि हम ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या हैं या फिर NHRC की गाइडलाइंस क्या हैं। ठीक है, जो आपको लिखना है एग्जैक्टली यहाँ पे, तो देखिए आप देखेंगे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, कोट एंड कोट में चीज़ें दी गई हैं, तो इसमें से एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे मैं वो बताऊँगी आपको। ठीक है, तो पहले देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू थिंक यू नो के जो एनकाउंटर किलिंग्स हैं आर दे एथिकल, है ना, या फिर ये आपसे आप GS4 में ही पूछ लिया जाए, डू यू थिंक एनकाउंटर किलिंग्स आर एथिकल, क्रिटिकली एनालाइज और क्रिटिकली कॉमेंट, है ना। तो देखिए सबसे पहली बात, तो अगर आप इंटरव्यू में बात कर रहे हैं ना, तो एक बिल्कुल लॉजिकल बात है कि एथिकल है या नहीं है, ये तो एक बहुत ही वेग क्वेश्चन हो गया। ऑफकोर्स आप अपने यू नो सिंपलिस्टिक सोबर भाषा में इसका आंसर दीजिएगा, पर एथिकल है कि नहीं ये तो कोई क्वेश्चन है, ये तो एक बहुत जनरलाइज्ड वे हो जाएगा क्वेश्चन पूछने का कि ये एनकाउंटर एथिकल है या अनएथिकल है, क्योंकि बहुत हद तक ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन पे कि एनकाउंटर किया क्यों गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे आपके पेपर में भी आया है तो आप क्या करेंगे, यही थोड़ा सा जर्नलिस्टिक पहले होता क्या है एनकाउंटर किलिंग या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, उसको डिफाइन करते हुए, है ना, फिर उसके बाद लिखेंगे एथिकल एंड एथिकल डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, फिर पहले फिर उसकी एक हेडलाइन डालिए और वहाँ लिखिए कि कहाँ पे एनकाउंटर एथिकल है, एनकाउंटर इज एथिकल इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कैसे सर्कमस्टांसेज ऐसे हो सकते हैं, सोचने की कोशिश कीजिए। ऑफकोर्स कहीं तो सर्कमस्टांसेज ऐसे हैं जहाँ पे एनकाउंटर लॉ बताता है कि एनकाउंटर जस्टिफाइड है, बिल्कुल कॉमन सेंस सेल्फ डिफेंस में, एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस यू नो वेरी वेल IPC का प्रोवाइड करती है, है ना, IPC का सेक्शन 96 जो है, ऑल्दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर आप सेक्शन 96 कोट कर देंगे तो आपका आंसर भी अच्छा बन जाएगा। पर IPC ये तो आपको पता ही है कि IPC सेल्फ डिफेंस का आपको हक देता है। ठीक है, एक कॉमन मैन जब यू नो मार सकता है किसी को भी सेल्फ डिफेंस में, तो ऑफकोर्स
एक कॉमन मैन मार सकता है और वो एथिकल है, तो एक पुलिस पर्सनल के तो डेफिनेटली एथिकल है. अगर उसकी लाइफ थ्रेटन हो जाती है, एक लाइफ थ्रेटनिंग, जेन्युइन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में, ही कैन डेफिनेटली किल अ पर्सन, है ना. तो एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, यहाँ पॉइंट पहला हो गया आपका, एथिकल कहाँ पे है. पॉइंट नंबर टू, अगर कोई इंसान थ्रेट बन जाता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ऑफकोर्स इसमें जस्टिफाइड है, क्योंकि इस तरह के सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे पूरे नेशन की सिक्योरिटी निर्भर है, सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन यही हमें लग रहा है, और इट इज़ कम्प्लीटली एथिकल ऑल्सो के बेसिकली एक किसी का एनकाउंटर हो सकता है. ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि एक टेररिस्ट का एनकाउंटर हुआ था 26/11, जो बेसिकली टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व थे, है ना, तो वो आपको पता है. और क्या हो सकता है, किन तरह के यू नो सर्कमस्टांसेस में एथिकल हो सकता है एक एनकाउंटर. अगर बेसिकली यू नो इट इज़ अ ग्रेव लॉस टू द स्टेट और पीपल और अदर्स लाइवलीहुड्स, है ना, या कोई थ्रेटन कर रहा हो एक एक तरह के नेचुरल रिसोर्स की एग्जिस्टेंस को कोई इंसान, है ना, तो इन तरह के क्रिमिनल्स के लिए बेसिकली एनकाउंटर सॉर्ट ऑफ इज जस्टिफाइड, है ना. तो ये चीज़ आप जानते हैं. अब इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं और आपको ये स्टोरी पता भी होगी, और आप थोड़ा सा भी जनरली अवेयर है, नहीं पता तो मैं ब्रीफली अभी आपको बता दूंगी. वीरप्पन, तो तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन कुकून. ऑपरेशन कुकून में वीरप्पन को मारा गया था. अब वीरप्पन कौन है बेसिकली, वीरप्पन एज यू नो इनफेमसली इज नोन, 200 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने मारा है और मारा था बेसिकली. 2004 के एनकाउंटर की मैं बात कर रही हूँ, 2004 में एनकाउंटर हुआ था. तो बहुत सारे क्राइम्स, यू नो बहुत सारे एलिफेंट्स को उन्होंने पोच करके उनकी आइवरी की ट्रेडिंग की हुई थी, सैंडलवुड ट्रेडिंग, यू नो मैसिव स्मगलिंग, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को यू नो किडनैप करके रैंसम मांगना स्टेट से, है ना. और एक बहुत बड़े आई थिंक कोई सुपरस्टार भी थे कर्नाटका के, जिनको उन्होंने किडनैप किया था और उनके खिलाफ रैंसम मांगा था. इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स की उन्होंने जान ली थी, बहुत सारे विमेन बच्चे बहुत लोगों को मारा था वीरप्पन. तो इस केस में यू नो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि बिकॉज ही वॉज बिकमिंग अ पोटेंशियल लॉस टू द स्टेट और थ्रेट टू एवरीबडी, है ना, तो यहाँ पे बेसिकली ऑपरेशन कुकून वीरप्पन एनकाउंटर इज जस्टिफाइड एज एक्सपर्ट्स से. अभी हमने दो तीन चीज़ें डिस्कस कर ली, तीन चीज़ें डिस्कस कर ली कहाँ पे जस्टिफाइड है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं कहाँ पे जस्टिफाइड नहीं है, वेयर एनकाउंटर इज अनएथिकल एज द क्वेश्चन वॉज. तो यहाँ पे बेसिकली आता है कुछ भी नहीं सोचना हमने फेक एनकाउंटर्स. आपको याद होगा, आई डोंट नो, आई वुड लिंक द वीडियो इन द आई बटन, आप शुरुआत के उसके 15 मिनट देखिए, वो आपके लिए इस बार इंपॉर्टेंट भी है. कोर्ट मार्शल पे वो वीडियो है, वीडियो का पहला 15 मिनट का जो सेक्शन है, तो हमने उसमें कोर्ट मार्शल बेसिकली देखा है. अभी एक जम्मू कश्मीर में फेक एनकाउंटर हुआ था बहुत ही रिसेंट, ठीक है, जम्मू कश्मीर में. और क्यों, केवल 2.5 लाख रुपये के लिए, क्योंकि वहाँ पर रिवॉर्ड था, ठीक है, 2.5 लाख रुपए जो भी यू नो बेसिकली पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी एक आर्मी ऑफिसर या कोई भी सिविलियन अगर उनको पकड़वाता टेररिस्ट को जम्मू कश्मीर में बेसिकली, तो उनको बेसिकली रिवॉर्ड मिलता. तो केवल मात्र 2.5 लाख के लिए आई थिंक उसमें 2 से 3 लोगों की यू नो फेक इनकाउंटर हुआ था, और अब कोर्ट मार्शल कर दिया गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनको मिली है जिन आर्मी ऑफिसर ने यू नो ऐसा किया था. तो आप वो लिख सकते हैं एग्जांपल. लेकिन अब फेक एनकाउंटर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स दिस इज़ वेरी अनएथिकल. अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट्स एग्जांपल देते हैं इशरत जहान एनकाउंटर का. ये भी 2004 का केस है, 2004 में कुछ ज़्यादा ही आप कह सकते हैं कि चीज़ें बढ़ रही थी. तो इशरत जहान, शी वॉज अ वोमन, व्हेन आई से शी, ऑफकोर्स आप जानते हैं कि आज भी यू नो जो CBI है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट वॉज अ फेक एनकाउंटर, और जिसमें अभी CBI कोर्ट भी है, बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट्स भी दर्ज किए गए हैं CBI कोर्ट द्वारा. तो इशरत जहान एनकाउंटर केस वाज अ फेक एनकाउंटर एज एवरीबडी बिलीव्स, ठीक है, और इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है. तो जो फेक एनकाउंटर, जैसे मैंने अभी 2.5 लाख के लिए बताया आपको, जिसमें कोर्ट मार्शल हो गया, तो जो सिर्फ पर्सनल गेन्स के लिए किया जाता है कोई एनकाउंटर, है ना, तो वो तो कैसे ही एथिकल हो सकता है. तो इसीलिए अब फेक एनकाउंटर हमने बोल दिया, तो इसीलिए बेसिकली जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस निकाली हैं, 2014 का एक केस है, एज यू वुड रीड हियर, PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 केस. आप ऐसे ही लिखेंगे और फिर उसके यहाँ पूरे यू नो ये जो इतनी कहानी लिखी है
उसमें से आपको बस इतना जानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अपनी गाइडलाइंस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, पहली तो यू नो आई अगेन रिपीट, PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 केस, जैसा कि हमने पढ़ा है, ऐसे लिखेंगे आप, इसीलिए फेक एनकाउंटर्स हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दे के गए। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि देखिए, अगर तो कोई ऐसा यू नो एनकाउंटर होता है जिसमें डेथ हो गई है एनकाउंटर में, जैसे अभी इस केस में एग्जाम्पल ले रहे हम, तो ऐसे कोई भी पुलिस एनकाउंटर में जहाँ पे डेथ इन्वॉल्व है ना, तो उसके बाद बेसिकली FIR दर्ज करनी है, रजिस्टर करनी है इन ऑल पुलिस एनकाउंटर केसेस। FIR हैज टू बी रजिस्टर्ड इन ऑल पुलिस एनकाउंटर केसेस। पॉइंट नंबर टू के यू नो बेसिकली कोई भी ये जो पुलिस शूटिंग केस हुआ है, एनकाउंटर हुआ है, इसमें होगी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन ऑल पुलिस शूटिंग केसेस बाय CID या कोई भी पुलिस स्टेशन। यू नो ऑफकोर्स वोवला पुलिस स्टेशन उसमें नहीं होगा जिसने एनकाउंटर किया है, कोई इंडिपेंडेंट पुलिस स्टेशन, कोई और पुलिस स्टेशन, ठीक है, CID या फिर कोई और पुलिस स्टेशन। ऑफकोर्स अब देखिए, जो बेसिकली जैसे कि आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि जिस ऑफिसर ने वहाँ पे किया है ना, तो उससे सीनियर ही होगा, एटलीस्ट यू नो सीनियर ऑफिसर होना चाहिए उससे जो इंक्वायरी कर रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर थ्री, उस ऑफिसर को तब तक प्रमोशन नहीं मिलेगी जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता जिसने एनकाउंटर किया है कि वो एनकाउंटर जेन्युइन था। तो ये तीन पॉइंट्स आप लिख देंगे ना, आपको इतनी सारी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अब देखिए, आप ऑफकोर्स जब अपने यू नो एनकाउंटर्स के बारे में लिख रहे हैं, तो आप विकास दुबे एनकाउंटर जो 2020 बहुत ही रिसेंटली जो हुआ है, आप इसके बारे में ज़रूर मेंशन कीजिए अपने आंसर में, ठीक है। फिर आप असद अहमद भी लिख सकते हैं, असद अहमद एनकाउंटर, ऑफकोर्स वो तो लेट्स सी यू नो, अभी बहुत सारी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी वगैरह होगी इस पर आप विकास दुबे एनकाउंटर तो बहुत ही फेमस हुआ था और बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था उसका, क्यों हुआ था वो भी हम देखेंगे, ठीक है, तो आप ये लिख दीजिए। ओके, तो ये प्रोसीजर्स बेसिकली के फेक था या नहीं था, यू नो डिटरमाइन हो जाता है, तो एथिकल था या नहीं एथिकल था, तो ये भी डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली उस क्वेश्चन का हमने आंसर देख लिया कि एथिकल था या अनएथिकल नहीं होता, ये सब कुछ देख लिया, ठीक है। अभी हम यू नो थोड़ा सा और देख ले, फिर NHRC का भी देखेंगे क्या गाइडलाइंस है। ओके, फिर उसके बाद देखिए, अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए कि यू नो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो मेनेस है एनकाउंटर किलिंग्स का या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का, वो लार्जली इस वजह से हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फेलियर है टू इनन्सिएट क्लियर प्रोसीजरल गाइडलाइंस फॉर रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। तो ऑफकोर्स आप पहले यहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स क्या होता है ना, इट हैज़ बिकम अ कॉमन प्रॉब्लम इन आर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसको डिफाइन करिए जैसे भी जर्नलिस्टिक। फिर आप लिखिए कि हाँ ऑफकोर्स यू नो वेरियस रीजन्स। फिर उसके बाद लिखिए नहीं, ऐसा तो नहीं है, गाइडलाइंस तो है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, या फिर कोई उसमें दिक्कत है, उसको यू नो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस लिख दीजिए, फिर NHRC की भी गाइडलाइंस लिख दीजिए। ओके, तो ये चीज़ इम्प्लीमेंटेशन और ह्यूमन एस्पेक्ट, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट उसमें नहीं है, ये कुछ कुछ आप फ्लॉज लिख के अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। आई वॉज यू नो एडिंग ऑन अ सेकेंडरी क्वेश्चन टू इट, ओनली सेकेंडरी क्वेश्चन टू इट, ठीक है। अब एक एथिक्स की केस स्टडी आती है जहाँ पे आप यू नो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है, आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है कि हमने रिसेंटली यू नो आपसे पूछेंगे कि हम बहुत रिसेंटली ऐसा देख रहे हैं कि इंस्टेंसेस हो रहे हैं फेक एनकाउंटर्स के पुलिस द्वारा, ठीक है, पुलिस द्वारा, जैसे हमने एग्जांपल हम ले रहे हैं अभी इस पे हम क्या कह सकते हैं हमें नहीं पता, पर विकास दुबे जैसे 2020 में हुआ, बहुत रिसेंट है, फिर अभी हम ये यू नो पुलिस एनकाउंटर केस देख रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन बेसिकली ये आएगा कि रीसेंट पास्ट में हम फेक एनकाउंटर्स देख रहे हैं पुलिस द्वारा, ये मैं ये नहीं कह रही कि ये फेक एनकाउंटर है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, पर मैं आपके लिए बस क्वेश्चन बता रही हूँ। तो बेसिकली आपके ओपिनियन में आपसे ये पूछते हैं एथिक्स की केस स्टडी में, क्यों एक सिविल सर्वेंट बेसिकली ऐसा क्राइम करता है, एक फेक एनकाउंटर करने पे क्यों मजबूर हो जाता होगा एक सिविल सर्वेंट, है ना, और इस तरह के एक्ट्स में है ना क्या वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, और क्या किया जाना चाहिए इन तरह के एक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए। ये तीन चार क्वेश्चंस बन गए एक ही एथिक्स की केस स्टडी में, और यही एथिक्स की केस स्टडी होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या, पहला क्वेश्चन क्या था इसमें, पहला क्वेश्चन ये था कि क्यों एक जो सिविल सर्वेंट है वो एक फेक एनकाउंटर करता है। ओके, तो बहुत सारे रीजन हैं, पहला हो सकता है सेल्फ इंटरेस्ट या पर्सनल गेन्स, जो भी आप इसकी हेडिंग बनाएं, क्यों, क्योंकि बहुत सारे यू नो रिवॉर्ड्स, जैसे मैंने अभी 2.5 लाख बताया, इस केस में भी असद अहमद के केस में भी 5 लाख रुपए दोनों पे, गुलाम हुसैन और इन पे असद अहमद पे दोनों पे 5-5 लाख का यू नो बाउंटी थी, तो बाउंटी नहीं एक्चुअली 5-5 लाख का रिवॉर्ड था, तो
खैर यहाँ पे आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट या पर्सनल गेन्स, क्योंकि यू वॉन्ट टू क्लेम रिवॉर्ड्स और से यू वॉन्ट टू वॉन्ट प्रमोशन इन योर सर्विस, है ना, और प्रमोशन मिलती है ठीक है जो भी एनकाउंटर में इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों को. तो पॉइंट नंबर टू क्या लिख सकते हैं आप, पॉइंट नंबर टू लिख सकते हैं हीरोइक एक्शन, राइट, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी सिटीजन्स के अमंग आपको मिलेगी एंड यू नो पर्सनैलिटी कार्ड इन दैट यू आर अ फैंटास्टिक सिविल सर्वेंट नोन फॉर दिस हिस्ट्री ऑफ दिस दैट, यू नो ये सब कुछ आप, फिर अब तो सोशल मीडिया भी आ गया है तो वैसे ही आप समझते हैं. और क्या हो सकता है, और मे बी पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकली हेट्रेड, आप सामने वाले को आइडियोलॉजिकली नहीं पसंद करते, या कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो क्योंकि आपको पता है कि पकड़ा कैसे जा सकता है, कि इंसान को कैसे सबक सिखाया जा सकता है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो लॉ परमिट नहीं करता तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि क्रिमिनल्स घूमे जा रहे हैं लेकिन लॉ क्रिमिनल्स के फेवर में दिख रहा है हमें, तो ये भी कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है सिविल सर्वेंट्स में, ठीक है. और आई थिंक आप समझते हैं ये बात. तो आप ये लिख सकते हैं या फिर आप रिवेंज लिख सकते हैं, बहुत बार यू नो पर्सनल यू नो बेसिकली रीजंस की वजह से भी, या फिर ऑफ कोर्स आपके फैमिली मेंबर को किसी अगर गैंगस्टर ने हरास किया है कि और फिर गुस्से में आके या जैसे भी, तो ये कुछ कुछ आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, पर्सनल गेन्स, हीरोइक एक्शन, पॉलिटिकल प्रेशर, आइडियोलॉजिकल हेट्रेड, वेस्टेड इंटरेस्ट, वेंजियंस और रिवेंज, ये सारे पॉइंट्स आपने लिख दिए. अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था, यू नो जो हमने क्वेश्चन पढ़ रहे थे या सुन रहे थे उसमें हमने क्या बोला था कि कौन सी वैल्यूज हैं जो इसमें कॉम्प्रोमाइज होती हैं एक सिविल सर्वेंट की. तो ये तो मतलब आई थिंक सबसे ईजिएस्ट पार्ट है क्योंकि इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बनाना है चीज़ों को. पहला क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज यहाँ पे, रूल ऑफ लॉ ही तो सब कुछ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फेयर ट्रायल ही नहीं हुआ यहाँ पे, तो आर्टिकल 21 सबसे पहले तो राइट टू लाइफ और लिबर्टी यहाँ चली गई, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जा रहे हैं यहाँ पे, वो लिखेंगे. और क्या लिख सकते हैं, जस्टिस डिनाइड यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है यहाँ पे, तो वो आप लिखेंगे. और क्या लिख सकते हैं आप, प्रोफेशनल एथिक्स लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स यू नो फेक एनकाउंटर्स में तो प्रोफेशनल एथिक्स सबसे पहले, आप उसका मर्डर कर रहे हो है ना, इट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज एट ऑल. और क्या लिख सकते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट, राइट, ये आप लिख सकते हैं. देखिए जैसे कि यहाँ पे भी हमने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भी बोला कि किसी भी यू नो किसी भी पुलिस पर्सनल को या किसी भी इंसान को हक नहीं दिया जाता कि वो किसी की जान ले, प्रॉपर ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है ना, तो वो फॉलो होना चाहिए. ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को शुरू करने से पहले यहाँ पे बोला गया था, ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. और क्या लिख सकते हैं आप, यू नो कि क्या वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ड्यूटी एथिक्स, है ना, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स और वैल्यूज, इस तरह से आपने अपनी जो सर्विस की ओथ थी, क्योंकि आपने फेक एनकाउंटर किया तो ओथ टू द सर्विस हैज़ बिन सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, है ना. तो ये सारी चीज़ें आप लिखिए, है ना. और देखिए फिर जो लास्ट यू नो मैंने पॉइंट बोला था क्वेश्चन पूछते हुए कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, फिर प्रिवेंट कैसे करोगे, मेरा ये पर्सनल सजेशन है और ये आप ज़रूर लिखिए अपने आंसर्स में कि प्लीज़ पुलिस रिफॉर्म्स कर दो. पुलिस रिफॉर्म्स जो प्रकाश सिंह जजमेंट है, और प्रकाश सिंह हैज़ बीन रियली फाइटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम पुलिस रिफॉर्म्स के लिए. तो जब पुलिस रिफॉर्म्स होगा और उसमें सारी गाइडलाइंस ऐसी लिखी होंगी कि फेक एनकाउंटर को बिल्कुल प्रिवेंट करने के लिए, इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग. तो ये आप लिखिए. और आप क्या लिख सकते हैं, आप कोड ऑफ कंडक्ट लिख सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, है ना, ये आप अपने टॉपिक्स भी पढ़ते हैं अपने GS4 में, तो कोड ऑफ कंडक्ट लिख के आओ, राइट, जिसमें एनकाउंटर के केस में आप क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए या नहीं, ये सारी. और बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट में ये लिखा हो कि जब सारे ऑप्शन आपके एग्जॉस्ट हो जाए ना, तब जाके एनकाउंटर करो. यू नो पहले तो ऑफकोर्स आप यू शुड ट्राई टू कैप्चर द क्रिमिनल अलाइव, यू शुड डू एवरी पॉसिबल एफर्ट टू डू दैट, ओके. तो कोड ऑफ कंडक्ट हमने देख लिया, पुलिस रिफॉर्म्स देख ली, और क्या कर सकते हो, अकाउंटेबिलिटी लेके आओ, है ना, किसी भी तरह से ये लिखिए आप. और आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिख सकते हैं कि सिटीजन्स में आप अवेयरनेस फैलाएं, राइट्स ऑफ द विक्टम, है ना,
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करो, ये भी लिख दो अगर इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट इट. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के साथ साथ NHRC की गाइडलाइंस भी फॉलो की जाएं, लोगों को पता हो कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है. कम्युनिटी पुलिसिंग आ गई ना यहाँ पे, तो लोगों को पता होगा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं तो दे वुड बी वेरी एक्टिव इन इट, है ना. वो कहेंगे FIR रजिस्टर हो, ये हो, प्रेशर डलेगा, पब्लिक प्रेशर डलेगा. तो ये सारी चीज़ें करके बेसिकली अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है. तो ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया, व्हाट आर द रीजंस कि हम इंक्रीजिंग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स देख रहे हैं. अब ये बहुत ही बिल्कुल आप पता है अपने ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको इसका आंसर पता है, बिल्कुल कुछ भी कुछ बड़े रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस है. पहली बात तो पब्लिक सपोर्ट है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के लिए, और ये आप जानते हैं. आप फेसबुक पे या इधर उधर सोशल मीडिया या आपस में हमारे जो बड़े हैं उनको बात करते सुनते हैं जब, तो आप यही कहते हैं ना कि इनको मार दो, इनको फांसी की सजा करो, अभी के अभी मारो, है ना, इन सबको उड़ा देना चाहिए. ऐसे जो टर्म्स हैं जो कितनी जल्दी यू नो यूज किए जाते हैं जब भी कोई क्रिमिनल के बारे में पता चलता है, ये सब कुछ आप जानते हैं. तो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट है. अब पब्लिक सपोर्ट भी क्यों है, क्योंकि पब्लिक का जो फेथ है वो जुडिशरी में इतना नहीं है. इसलिए नहीं कि जुडिशरी में फेथ नहीं है उनका, बस इसलिए क्योंकि ये उनको पूरी तरह से यू नो यकीन है कि टाइमली जस्टिस होगा ही नहीं, जुडिशरी में तो लटके रहो, दीज आर द फ्रेजेज यू नो यूर ऑल द टाइम. तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए पब्लिक सपोर्ट बहुत है ऐसे एनकाउंटर्स को, ठीक है. दूसरा पॉलिटिकल सपोर्ट भी है बहुत सारे केसेस में, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं. अब आपका पॉइंट है ये, ठीक है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे कैसे लगे, आप दिस इज रियलिटी. बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स कितने एनकाउंटर्स उनके रिजीम के टाइम पे हुए, एज एन अचीवमेंट यू नो अपने पोल कैंपेन्स में भी बोलते हैं, इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, राइट. तो पॉलिटिकल सपोर्ट है इस तरह के एनकाउंटर्स को. और क्या हो सकता है, क्यों बढ़ती जा रही हैं ऐसी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स? पब्लिक देख लिया हमने, पॉलिटिकल सपोर्ट देख लिया, रिवॉर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया, रिवॉर्ड जैसे 5-5 लाख रुपए यहाँ पे अटैच जाए, वहाँ पे 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख तो बहुत कम था, मतलब खैर स्टिल पर बुरा हुआ जो भी वो कोर्ट मार्शल वाली चीज़ हमने देखी थी. तो आप रिवॉर्ड्स के बारे में लिखिए, और क्या लिख सकते हैं, क्या रीज़न एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स बढ़ती जा रही है, इनइफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस. ओके, आप जानते हैं NHRC ने गाइडलाइंस तो निकाल दी है, लेकिन NHRC के पास तो कोई टीथ भी नहीं है, या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये तो रिडंडेंट है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है. थोड़ा सोबर वे में लिख के आइएगा इस बात को कि इनइफेक्टिव इंस्टीट्यूशन लाइक NHRC, SHRC, है ना. तो ये सारी चीज़ें, और क्या आप लिख सकते हैं, हीरो वर्शिप. एवरी सिविल सर्वेंट वॉन्ट्स टू बी वर्शिप्ड, आई डोंट नो वाई, आई एम नॉट जर्नलाइजिंग, ऐसा नहीं है, पर ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग. यू नो आप जब एग्जाम का रिजल्ट आता है UPSC का, तब भी आप देखते हैं कि कैसे, मतलब क्या ही बना देते हैं कि इंसान को. खैर इस बारे में कभी और बात करेंगे, पर हीरो वर्शिप एक ऐसी चीज़ है जो आप अपना पॉइंट लिखेंगे. तो यहाँ से 4-5 पॉइंट आपको मिल गए, है ना. तो आई थिंक इससे ज़्यादा तो और क्या ही आप लिखिए, ठीक है, कि हीरोइक एक्ट्स हो जाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. फिर यहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस डिस्कस कर ली, अब हम NHRC की गाइडलाइंस देख लेते हैं, ठीक है. तो NHRC की गाइडलाइंस में बेसिकली जो वेंकट चलिया यू नो बेसिकली 1997 में, यहाँ आप पढ़ सकते हैं, है ना, जो हमारे फॉर्मर CJI रह चुके हैं, तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि इन्होंने भी वही कहा कि रजिस्टर कीजिए एक FIR, है ना. तो एक FIR रजिस्टर हो, एक प्रॉपर रजिस्टर में इन्वेस्टिगेशन हो, है ना, इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी यू नो बातचीत हो. फिर उसके बाद कॉम्पनसेशन भी इन्होंने बोला NHRC ने कि दी जानी चाहिए जो डिपेंडेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर वो सोल ब्रेड ओनर हुआ पूरे घर का, तो फिर उस केस में कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए अगर फेक इनकाउंटर है तो. और क्या, इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए ओके इन्वेस्टिगेशन के लिए, जैसे स्टेट CID, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें NHRC ने बोली, वही मोर और लेस जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे. लेकिन 2010 में कुछ कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं. 2010 में बेसिकली हमने कुछ यू नो इन गाइडलाइंस को एक्सटेंड होते देखा कि एक मैजिस्टीरियल प्रोब भी होना चाहिए ओके. जैसे कि यहाँ लिखा है मैजिस्टीरियल इंक्वायरी, है ना, एक मैजिस्टीरियल प्रोब हो या इंक्वायरी हो इन ऑल द केसेस ऑफ डेथ जो इनकाउंटर में हो रही है ओके. तो आपको ये पता होना चाहिए, और यू नो प्रेफरेबली 3 महीने के अंदर अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैजिस्ट्रियल प्रोब हो, रिपोर्ट कीजिए कमीशन
बेसिकली NHRC को या फिर SHRC को, जितने भी इस तरह के पुलिस इनकाउंटर डेथ वाले केसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो प्रेलिमिनरी रिपोर्ट हो गई जो 48 आवर्स के अंदर अंदर आपने पहुंचानी है, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर, 3 months आफ्टर द एनकाउंटर, अ सेकेंड रिपोर्ट वुड गो टू द NHRC, ठीक है, विच वुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इंक्लूसिव ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, उसमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट हो, इंक्वायरी फाइंडिंग्स हो, क्योंकि इतना समय तो लगेगा ही, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लिख के आइए, ठीक है भाई। लेकिन देखिए, आप प्लीज़ जब भी इस तरह के आंसर्स लिख रहे हैं तो आप, पुलिस रिफॉर्म्स होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ, इसके बारे में अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें प्लीज़ लिखना मत भूलिए। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इनफैक्ट। तो ये एक रिविजन सॉर्ट ऑफ हम इस चीज़ को ले रहे हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में क्या क्या होगा, अगर बाई चांस आपके प्रीलिम्स में आ जाए कि क्या क्या चीज़ें होंगी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में। तो होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने लॉन्च किया है VVP, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की बी टू, तो अरुणाचल प्रदेश, April 10, यूनियन कैबिनेट ने क्लियर किया है एलोकेशन ऑफ 4800 करोड़ फॉर द सेंट्रली। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि VVP इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। कब से कब तक के लिए, हमें पता है कि एलोकेशन हुई है 2022-23 से लेके 2025-26 तक के वर्षों के लिए, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 2022-23 टू 2025-26, ये चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती हैं। अगर हम प्रोग्राम के बारे में देखें, अगर आपके प्रीलिम्स में ये लिखा है दैट द स्कीम वॉज फर्स्ट अनाउंस्ड इन 2023-24 बजट, नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग, फर्स्ट अनाउंस्ड इन 2022 बजट, ओके। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट चाहिए हमें बेसिकली, आइडेंटिफाइड विलेजेस अलोंग द इंडियाज नदन बॉर्डर, ठीक है। उन जो भी वहाँ लोग रह रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है जो वहाँ रह रहे हैं, ठीक है। और हमें बेसिकली आउट माइग्रेशन, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आउट माइग्रेशन को रिवर्स करना है। आप जानते हैं बहुत सारे जो बॉर्डर पे रहने वाले जो यूथ हैं वो सिटीज़ में या मेनलैंड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप जानते हैं एम्प्लॉयमेंट इसीलिए आते हैं पढ़ने या वैसे, तो इसलिए सब कुछ वहीं अवेलेबल करवा दिया जाए ताकि आउट माइग्रेशन हो ना। और क्या करना है, सिक्योरिटी को बूस्ट करना है बॉर्डर के अलोंग, ठीक है। उनमें नेशनलिज्म का भी एक एस्पेक्ट ये भी है कि उनमें नेशनलिज्म भरना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे होम मिनिस्टर ने बोली हैं। अब देखिए, 2018 का एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है जिसने पॉइंट आउट किया था कि बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस, इलिट्रेसी और लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के बॉर्डर एरियाज़ में। तो VVP बेसिकली इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करता है, ठीक है। अगर हम देखें स्कीम के तहत 2967 विलेजेस इन 46 ब्लॉक्स ऑफ 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं, बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ठीक है। फर्स्ट फेज में 662 विलेजेस उठाए जाएंगे प्रायोरिटी कवरेज पे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट फेज देखेंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि हमने देखा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑन लोकल नेचुरल, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि इकोनॉमिक ड्राइवर्स हमें ढूंढने हैं लोकल, नेचुरल, ह्यूमन और अदर जो वहाँ पे सोर्सेज हैं बॉर्डर विलेजेस के, उनके नेचुरल चीज़ों को हमने लेवरेज करना है और इकोनॉमिकली हम वही ड्राइवर्स मानते हैं। ग्रोथ सेंटर्स ऑन द हब एंड स्पोक मॉडल थ्रू प्रमोशन ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ एंड वीमेन थ्रू स्किल डेवलपमेंट, विमेन यूथ, ये सब पे काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, लोकल कल्चरल ट्रेडिशनल नॉलेज के बेसिस पे और हेरिटेज के बेसिस पे, ठीक है। सस्टेनेबल इको एग्री बिजनेसेस चलाए जाएंगे वन विलेज वन प्रोडक्ट के लाइंस पे, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्टिविटी बाय ऑल वेदर रोड्स, कुकिंग गैस, मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी इन दीज बॉर्डर एरिया, स्पेशल अटेंशन दी जाएगी मल्टीपर्पज़ सेंटर्स पे, टूरिस्ट सेंटर्स पे, सोलर एंड विंड एनर्जी पे, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, ओके। देयर विल नॉट बी अ सिंगल हाउस इन द बॉर्डर विलेजेस व्हिच डज नॉट हैव बेसिक एमिनिटीज, तो बेसिक एमिनिटीज यहाँ पे सबके पास होंगी। अब देखिए, यहाँ पे जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं, अगेन हम बहुत डिटेल में 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, पर सब उस पर्टिकुलर वीडियो का भी अब शुरुआत का 15-20 मिनट का पोर्शन देख सकते हैं, जिसमें हमने ये पूरा रिजर्वेशन का ब्रेकअप कैसे हुआ है ना, 2A 2B, जैसे भी जो भी कर्नाटका का कोटा पाए है
वो कैसे ब्रेक हो रहा है, अब क्या केस है, वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आदि क्षत्रियाज, आदि कर्नाटका क्षत्रियाज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो आप वो वीडियो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आपको थंबनेल में दिख जाएगा, आप उस वीडियो का शुरुआत का 15 से 20 मिनट का पोर्शन देख सकते हैं। ठीक है, मुस्लिम्स कोटा नेक्स्ट, ओके, यूजिंग फॉल्स अजम्पशन सेज सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ओरली कहा है कर्नाटका की सरकार को कि देखिए, जो आप मार्च 27 को अपना ऑर्डर लेके आए हैं, जिसमें आपने 4% ओबीसी कोटा जो मुस्लिम्स को दिया हुआ था इतने सालों से, वो आपने 4% उनसे छीन के 2-2% डिवाइड कर दिया है वो कलिगाज और लिंगायत कास्ट को, दैट इज नॉट डन। ओके, क्योंकि आपने जिन अजम्पशंस पे किया है वही एकदम फ्लॉड अजम्पशंस हैं, उसका कोई बेसिस ही नहीं है जिस अजम्पशन पे आपने ये चीज़ की है। ठीक है, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड मुस्लिम्स हैव बीन ट्रीटेड एज अ मोर बैकवर्ड कम्युनिटी। ये हम जस्टिस के एम जोसेफ को बोलते हुए देख रहे हैं, और यू नो बेंच पे बीबी नागरत्ना जी भी हैं। ठीक है, जो हमारी यू नो शी इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो भी हैं बेंच पे। तो आप वही बेसिकली कहा जा रहा है कि मोस्ट बैकवर्ड से बैकवर्ड कम्युनिटी के बीच में जो ओबीसी मुस्लिम्स हैं आया करते हैं कर्नाटका के, सडनली आप रातों रात क्या करते हैं, ये सारे बेनिफिट उनसे ले लेते हैं। तो और वो ये कह रहे हैं बेसिकली जस्टिस के एम जोसेफ, आई हैव टू स्पीक माई माइंड यार, है ना, ताकि आप रिस्पॉन्ड कर सकें, आप एफिडेविट अपना सबमिट कीजिए जो जो मैं आपसे बोल रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, कि ये तो बिल्कुल ही फैलेशियस अजम्पशंस हैं जिसपे आपने ऐसा किया है। ठीक है, जस्टिस नागरत्ना का ये कहना है कि देखिए, आपने जब ये ऐसे कोटा में चेंज कर दिया है, तो आप यू नो आई एम वंडरिंग कि अब एडमिशन शुरू होने वाले हैं एडुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, तो आप नए वाले कोटा पे करेंगे, क्या करेंगे, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। तो अब फाइनली यू नो ऑफकोर्स ये भी अश्योरेंस दी गई है कि जब तक यू नो ये नेक्स्ट हियरिंग इसकी नहीं होती, तब तक कोई भी नया एडमिशन नहीं होगा, यू नो जो नया आया हुआ रिजर्वेशन पाए है उसके बेसिस पे। तो ये एक हमने यहाँ देखा है। ओके, द कोर्ट फाइनली रिकॉर्डेड इन इट्स जुडिशियल ऑर्डर एंड ओरल अश्योरेंस गिवन टू द स्टेट, नो अपॉइंटमेंट, वही चीज, 18 अप्रैल तक ऐसा कुछ नहीं होगा, विच इज द नेक्स्ट डेट ऑफ द हियरिंग। साथ ही में देखिए, जो पिटिशनर है और उनके लिए जो सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे और एक और यू नो बेसिकली एडवोकेट हैं जो अपेयर कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि देखिए, हमें आपने यू नो कहा कि मुस्लिम्स EWS कैटेगरी में ले सकते हैं, वो तो सबके लिए है ना, तो इस किस बेसिस पे आपने ऐसा किया, कोई इंपेरिकल डेटा ही नहीं है। देखिए, रिजर्वेशन जो हुआ है ना, कितना मिलना चाहिए कितना नहीं मिलना चाहिए, ये इंपेरिकल डेटा पे बेस्ड होता है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स, उसके बेसिस पे आप ये डिसीजंस ले सकते हैं। सिर्फ ऐसे ही नहीं, आपका मन किया ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं, आपका मन किया तो आप उठे एक दिन और आपने कहा कि जी नहीं कि यू नो इनसे आज हम रिजर्वेशन ले लेंगे, मतलब 50 साल बाद आपको याद आया अचानक से, सो दिस इज़ नॉट डन, ऐसा पिटिशनर कह रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है वोकल इगाज या लिंकायत से, बिल्कुल भी नहीं, और पर आप हमारे कॉस्ट पे किसी और को क्यों प्लीज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे पिटिशनर्स का कहना है। साथ ही में देखिए, जो इंटरिम रिपोर्ट यू नो एक ये कोट कर रहे हैं, जो यू नो कर्नाटका गवर्नमेंट के जो लॉयर हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए, जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन, ये हमने उसमें भी डिस्कस किया है वीडियो में, उनके बेसिस पे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुस्लिम सिर्फ इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड नहीं है, तो इसके रिस्पांस में दुष्यंत दवे कहते हैं कि दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। इनफैक्ट चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन ने भी ये कहा है कि मुस्लिम्स एज अ होल वर सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड, एंड आई हैव द रिपोर्ट विद मी, इफ यू आर फाइटिंग अ केस सो एम आई। तो ये चीज बेसिकली फिर मिस्टर मेहता यानी कि जो कर्नाटका गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका कहना है कि देखिए, जो सारी यू नो स्टेट गवर्नमेंट भी कह रही है और जो हमारी रूलिंग पार्टी है सेंट्रल लेवल पे, उनका भी यही कहना है कि रिलीजन के बेसिस पे तो कोई रिजर्वेशन है ही नहीं, संविधान में कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन लिखी है ना, तो रिलीजन जब बेसिस ही नहीं है रिजर्वेशन का, तो इसका कोई तुक नहीं बनता। तो मिस्टर डवे इस पे कहते हैं, यानी कि जो यू नो पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि देखिए, जो रिजर्वेशन मुस्लिम्स को मिली है कर्नाटका में, वो रिलीजियस लाइंस में मिली भी नहीं है, वो इस अकाउंट पे मिली है कि जो ये कम्युनिटी है कर्नाटका में, वो सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड है, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था। तो एक और चीज़ देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं और क्रिटिक्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये आर्ग्यूमेंट के रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, ये तो फिर EWS पे भी यू नो लागू होती है, कि इकोनॉमिक लाइंस पे भी तो इंदिरा सानी जजमेंट ने भी तो बहुत कुछ कहा, और हमारा संविधान भी नहीं मेंशन किया करता था, जब संविधान को बेसिकली यू नो हमने अमेंड कर दिया EWS के लिए या उससे पहले भी और रिजर्वेशंस के लिए, है ना, तो
EWS में भी तो हमारा संविधान कहता है कि इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कुछ तो फिर क्यों वो कैसे हो गया? वैसे ही जैसे वहाँ, तो वैसे कर्नाटका में अगर एक कम्युनिटी सफ़र कर रही है इतने सालों से, तो दे शुड गेट द रिजर्वेशन, ये एक्सपर्ट्स का कहना है, ठीक है? तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लोकायुक्ता के नॉट प्रोब सिलेक्शन ऑफ पोल कैंडिडेट। देखिए ये केस बस इतना है, आई वुड टेल यू वेरी ब्रीफली, क्योंकि आपको लोकाय इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो आप खुद डिटरमाइन कीजिए, पर आपको अगर आपके प्रेलिम्स में ये लिखा है कि लोकायुक्ता जब एक पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं वो सही तरीके से सिलेक्ट नहीं हुए, कुछ ब्राइब या उधर उधर देखे है ना, कुछ उसमें फॉर्जरी इन्वॉल्व है, तो उसमें भी लोकायुक्ता प्रोब कर सकती है? जी नहीं, लोकायुक्ता नहीं प्रोब कर सकती। ये केरला हाईकोर्ट के एक डिविजन बेंच ने कहा है कि लोकायुक्ता नहीं यू नो प्रोब कर सकती सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, क्योंकि ये पोलिटिकल पार्टी का इंटरनल अफेयर है, ठीक है? तो ये चीज़ बस आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, और ऑफकोर्स आपको पता भी थी, अगर हम ना भी डिस्कस करते तो आपको पता होता। What is डब्बा ट्रेडिंग एंड हाउ डज इट इफेक्ट दी इकोनॉमी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? देखिए जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, पिछले हफ्ते उन्होंने एक स्ट्रिंग ऑफ नोटिसेस निकाले हैं जिसमें उन्होंने एंटिटीज को नेम किया है जो डब्बा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, ठीक है? और साथ में उन्होंने कॉशन भी किया है रिटेल इन्वेस्टर्स को, आपके और हमारे जैसे, कि आप प्लीज सब्सक्राइब या इन्वेस्ट ना करें, यू शुड नॉट बी यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स, ओके? जो ऑफर करते हैं अशोर्ड गारंटीड रिटर्न्स, ये अशोर्ड गारंटीड रिटर्न्स तो बिल्कुल ही मार्केट में कोई नहीं प्रॉमिस कर सकता, इट इज़ सब्जेक्ट टू वॉलिटिलिटी। तो ये तो मतलब खैर ये तो मैनिपुलेशन होती है, ये तो वैसे भी सबको पता होना चाहिए, बट स्टिल। तो यहाँ पे NSE कह रहे हैं कि यू शुड नॉट रियली बी इन्वेस्टिंग इन सच प्रोडक्ट्स जो प्रॉमिस करते हैं रिटर्न इन द स्टॉक मार्केट, यू नो गारंटीड रिटर्न इन द स्टॉक मार्केट, एज दे आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। आपके प्रीलिम्स में अगर लिखा है डब्बा ट्रेडिंग, ठीक है, तो आई विल टेल यू व्हाट इट इज, तो डब्बा ट्रेडिंग इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, दैट्स ट्रू। हम देखेंगे ऑफेंस है ये एक, और इसमें जेल होती है अगर आप डब्बा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है तो, ओके? तो वॉट इज डब्बा ट्रेडिंग? डब्बा ट्रेडिंग एज इट इज नोन इनफॉर्मल ट्रेडिंग, है ना? इनफॉर्मल ट्रेडिंग यानी कि जो आप स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते और कुछ प्रॉफिट भी करना चाहते हैं स्टॉक्स के ही बेसिस पे, तो आप फिर क्या करोगे? आप स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स को ट्रैक करना शुरू करोगे। अब आप सोचोगे ये कैसे होगा? देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डब्बा ट्रेडर हूँ और आप एक इन्वेस्टर हैं, ठीक है? तो आपने क्या किया, आपने बेट किया कि देखिए 1000 रुपये का यू नो स्टॉक होगा इस पॉइंट पे, ऐसा कुछ आपने बेट किया, ठीक है? तो अब जो प्राइस है वो राइज कर गया 2500 और आपने क्या कहा था 1000, तो ये आप ही के उससे ज़्यादा है, तो आपने 500 रुपये का गेन किया, ठीक है? तो वो मुझे आपको देना पड़ेगा, मैं डब्बा ट्रेडर हूँ। लेकिन अगर बाय चांस 900 रुपये हो गया और आपने बोला था 1000, आपने बेट किया था 1000, तो यू नो बेसिकली जो आप हैं आपने मुझे देने हैं 100 रुपये, मैं डब्बा ब्रोकर हूँ बेसिकली, है ना? तो ये बेसिकली इस तरह से ये काम करता है। आप स्टॉक प्राइसेस की मूवमेंट को तो ट्रैक कर रहे हो पर आप खरीद भी नहीं रहे स्टॉक्स, कुछ भी नहीं कर रहे, यू नॉट इवन कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ द रेगुलेटरी मेजर्स ऑफ द एंटायर स्टॉक मार्केट, यू डूइंग नथिंग, दिस इज अ कम्प्लीटली इनफॉर्मल ट्रेडिंग। एज आई रीड इट हियर, जैसे यहाँ पे लिखा है, Traders bet on stock price movements without incurring a real transaction to take physical ownership of a particular stock as is done in an exchange. आप physical ownership भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं करते, बस ऐसे ही खेल रहे हो आप। In simple words, it is nothing but gambling. Okay, centered around stock price movements, nothing else. Okay, तो वो तो of course आपको पता चल ही गया होगा जब हमने example से देखा। The primary purpose for such trades is, क्योंकि आप regulatory mechanism के झंझट से छूट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, cash में खेल सकते हो, छोटे मोटे you know cash यहाँ पे involved हैं, तो वैसे फिर साथ में वही सारी बातें, यहाँ पे कुछ profits होते हैं जो यहाँ पे लिखे हैं, जिन्हें हम कच्चा records भी कहते हैं और सौदा books भी कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। अब problematic कब बन जाता है इस तरह के डब्बा ट्रेडिंग? Since there are no proper records of income or gain, है ना, तो
आप टैक्सेशन, क्योंकि आप रिकॉर्ड रख रहे हो नहीं रख रहे, कितना गेन आपको हो रहा है वो आपकी इनकम में काउंट भी नहीं हो रहा, तो आप टैक्स भी मत भरो। जब इनकम काउंट नहीं हो रही तो टैक्स कहाँ से भरोगे? कंप्लीटली इनफॉर्मल है, कैश में हो रहा है, बिल्कुल टैक्सेशन इवेड की जा सकती है। तो बहुत सारा ब्लैक मनी जनरेट हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। दे वुड नॉट हैव टू पे कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और दी STT ऑन देयर ट्रांजैक्शंस, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन तो कर ही नहीं रहे ना, तो टैक्स क्यों भरोगे उस पर? द यूज ऑफ कैश ऑल्सो मीन्स दैट दे आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, ऑल ऑफ इट कंबाइंड रिजल्ट्स इन अ लॉस टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर। साथ ही में देखिए क्या है ना, कि आप फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर हो और एक डब्बा ट्रेडर है, तो और मैंने आपको पैसे देने हैं, जैसे इस केस में मैं डब्बा ट्रेडर हूँ और आपने 500 रुपये का गेन किया था तो मुझे आपको देने हैं, लेकिन मैं ना दूँ। अब 500 रुपये तो मैं छोटा अमाउंट बोल रही हूँ, बहुत बड़े बड़े अमाउंट भी हो सकते हैं, और मैं ना दूँ और आप कहोगे नहीं मैंने जीता है, मैंने इन्वेस्ट किया था, तो आप तो फंस गए। और ये तो कोई फॉर्मल मैकेनिज्म भी नहीं है कि आप सरकार को बोल सकते हो, SEBI या कुछ भी, इधर कुछ अपनी अपील डाल सकते हो, कुछ भी नहीं हो सकता। आपके पैसे गए, आप तो लुट गए, है ना? तो कुछ वो तो है ही नहीं ना यहाँ पे, कुछ फॉर्मल चीज़ है ही नहीं, कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं। और इसीलिए डब्बा ट्रेडिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 23 क्लॉज 1 और सबसेक्शन 1 ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशंस एक्ट SCRA 1956, जो हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, गिवन द फैक्ट अडानी कॉन्ट्रोवर्सी वॉज सो मच इन द एयर। एंड अपॉन कन्विक्शन आपको इम्प्रिजनमेंट होती है फॉर अ टर्म एक्सटेंडिंग अप टू 10 years और फाइन 25 crore का, और बोथ, इतने तो आपने कमाए ना हो जाए तो 25 crore का फाइन कैसे दो गया? मोदी रेजेस सिक्योरिटी ऑफ हाई कमीशन विद ऋषि सोनक। तो यहाँ पे बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने काउंटर पार्ट से बात की है, इंग्लैंड या ब्रिटेन काउंटर पार्ट से, ऋषि सोनक, उनको उन्होंने कहा है कि देखिए हम बहुत ही नाखुश हैं जो हमारे इंडियन हाई कमीशन की सिक्योरिटी को लेकर जो लंदन में है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अब सारा इशू जानते हैं, खालिस्तानी इशू, प्रोटेस्ट, अमृतपाल सिंह, ऑनड्रॉन, दैट, दिस, एवरीथिंग हैज़ बिन डिस्कस्ड इन डिटेल, क्या हुआ, वियना कन्वेंशन क्या है क्या नहीं है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या होती है, हाई कमीशन के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। ओके, हमने ये भी कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, यानी कि आप प्लीज़ रिटर्न कीजिए, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को सारे वहीं जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, साथ ही में दोनों लीडर्स ने ये अग्री किया है कि हम जल्दी से जल्दी म्यूचुअली बेनिफिशियल FTA को भी साइन करेंगे। तो यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी मुद्दा है हमारा, खालिस्तान एक इशू नहीं है हमारे इकोनॉमिक अग्रीमेंट में। हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि हमें FTA ही नहीं साइन करना चाहिए, डिले कर देना शुरू कर देना चाहिए, पर यहाँ पे क्या ये भी एक बात ही है, अब हमें नहीं पता कि हमारे इंटेंशन है, हम भी इसको मीन करते हैं कि नहीं हमारी तरफ से डीले होना शुरू हो जाएगा FTA का प्रोसेस या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता चलती हैं। PM मोदी रेज द इशू ऑफ, और साथ में ऋषि सोनक ने भी यही कहा है कि UK जो अटैक हुआ है इंडियन हाई कमीशन पे, इसको टोटली अनएक्सेप्टेबल मानता है और अश्योर करते हैं हम आपको सिक्योरिटी का, पर आपने किया तो कुछ नहीं, वैसे अरेस्ट भी नहीं किया। खैर, स्टैटिस्टिक्स ऑन अटैक्स ऑन क्रिश्चियंस रॉन्ग सेंटर सबमिट इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को बस बेसिकली सेंटर का एफिडेविट ये बताता है कि जो एक फियर बनाया जा रहा है कि क्रिश्चियंस के ऊपर पोस्ट 2022 अटैक्स बढ़ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यू सी द डेटा, इट्स नॉट ट्रू, रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो बस इतना से छोटी सी न्यूज़ थी। ऑपोजिशन, ओके, अब देखिए आप जानते हैं कि ऑपोजिशन यूनिटी, रोल ऑफ ऑपोजिशन, लैक ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये सब टॉपिक्स जो हैं आपके इस बार के मेंस के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी पढ़ के जाइएगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में, लॉ बताता है नहीं बताता, इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो खैर ऑपोजिशन पे हम आंसर्स भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे डेमोक्रेसी के लिए रोल ऑफ ऑपोजिशन इज़ वेरी पर्टिनेंट, एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ऑपोजिशन यूनिटी इज समथिंग जो लैक करती है, राइट? क्योंकि एक विजन नहीं है, फ्रेगमेंटेड ऑपोजिशन है ना, यही एक मुद्दा है, सबसे बड़ा दिक्कत है हमारी कंट्री की ऑपोजिशन की। तो यहाँ पे बेसिकली अब ऑपोजिशन यूनिटी, क्योंकि 2024 में एक जॉइंट ऑपोजिशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो दो मॉडल्स यहाँ पे प्रपोज किए जा रहे हैं या बातचीत चल रही है उस पर। 2004 का एक मॉडल जिसमें UPA, मनमोहन सिंह जी जब दो टर्म्स के लिए आए, ठीक है, तो यहाँ पे UPA में क्या था 2004 के मॉडल में, जब कांग्रेस फलक्रम की तरह एक्ट की कांग्रेस ने, ठीक है, और एक है 1996 का यूनाइटेड फ्रंट मॉडल, जो बहुत सारी पार्टीज हैं, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, BRS, ये ज़्यादा कन्विंस हैं 1996 के मॉडल से। 1996 का मॉडल क्या था, यूनाइटेड फ्रंट का मॉडल, जिसमें आप जानते हैं कि
आके गुजरार, उससे पहले यू नो डेवे गौड़ा, है ना, जब वो प्राइम मिनिस्टर्स बने. तो बेसिकली क्या था इसमें, जो बाकी पार्टीज थी 13 पॉलिटिकल पार्टीज, दे केम टुगेदर, दे फॉर्म्ड अ सरकार. पर कांग्रेस ने उनको, ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी ऑफ कोर्स, कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया था बस. दे नॉट जॉइनिंग द गवर्नमेंट एज इफ, पर उनने सपोर्ट किया था. तो ये सारी बातें यहाँ पे चल रही है. लेकिन आप जानते हैं डीएमके, एनसीपी, लेफ्ट पार्टीज, आरजेडी, उनका कहना है कि कांग्रेस के बिना कोई ऑपोजिशन यूनिटी का मुद्दा या सवाल ही नहीं उठता, ऑपोजिशन का सवाल नहीं उठता, उनका ये कहना है. एमके स्टालिन आप जानते हैं इसके फ्रंट रनर है. दोस्ट क्रिटिसाइजिंग मुद्रा स्कीम डोंट अंडरस्टैंड पावर ऑफ माइक्रो फाइनेंस. अब देखिए, इससे पहले कि यहाँ क्या लिखा है, आपको ये पता होना चाहिए कि मुद्रा, यू नो बेसिकली मुद्रा फाइनेंस का मतलब क्या. हम पहले भी देख चुके हैं आपके, इस बार के प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसको लॉन्च किया गया था आप जानते हैं 2015 में, राइट. और यू नो लोन्स आपको मिल सकते हैं 10 लाख तक के. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपके स्टेटमेंट में ये लिखा है प्रेलिम्स में कि loans up to ₹10 lakh can be given to corporate and farm micro enterprises, completely rubbish. क्योंकि इसका बिल्कुल opposite, non-corporate और non-farm जो micro या small enterprises हैं उनको loan मिलता है 10 लाख तक का, ठीक है. और मुद्रा, अगर आप लोग समझते हो कि आप जाओगे और मिस्टर मुद्रा यू प्लीज गिव मी लोन, इट इज नॉट लाइक दैट. माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी. रीफाइनेंस का मतलब क्या होता है, ये मुद्रा की फुल फॉर्म है, राइट. तो ये एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली अगर आप किसी बैंक से जाके लोन ले रहे हो तो मुद्रा उसको रीफाइनेंस कर देगी. मुद्रा आपको नहीं दे रही पैसे, वो बैंक आपको पैसे दे रहा है, लोन दे रहा है, पर मुद्रा उसको कॉम्पनसेट तो करेगी. बैंक ने कौन सा यहाँ पे सोशल सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए यहाँ पे वो बैठे हुए हैं, नहीं ना. दे विल बी कॉम्पनसेटेड, सो मुद्रा वुड कॉम्पनसेट, है ना. तो ये चीज़ बेसिकली आपको पता होनी चाहिए. या फिर अगर आपके प्रॉब्लम्स में, ऑफकोर्स इसको मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है, दैट मुद्रा प्रोवाइड्स funding to you know non-corporate or non-farm small enterprises, that's wrong, okay. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. और बहुत सारे you know bank से ले सकते हैं, NBFC से, microfinance institution से ले सकते हैं आप loan. तो मुद्रा does not lend directly to micro enterprises. तो अगर आपके prelims में लिखा है that मुद्रा lends directly to the micro entrepreneurs, no, that's wrong. और साथ में आप जानते हैं कि 3 यहाँ पे products या packages available होते हैं, और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार. और ये डिपेंड करता है कि आप यू नो किस तरह की फंडिंग, किस लेवल तक की फंडिंग चाहते हैं. तो शिशु, किशोर, तरुण. शिशु सबसे छोटा होगा, राइट. शिशु में लोन्स मिलेंगे 50,000 तक के. किशोर होगा आप कुछ इंटरमीडिएट, राइट, तो 50,000 से 5 लाख तक के. तरुण सबसे बड़ा होगा, तरुण मतलब 5 लाख से बड़ा और 10 लाख तक, ठीक है, 5 से 10 लाख तक के लोन्स. और कोलेटरल फ्री लोन्स हैं, ये बात आप जानते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि अभी देखिए रिसेंटली क्या था, फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी ने कहा था एक ट्वीट में कि देखिए 83% ऑफ मुद्रा लोन्स जो हैं वो 50,000 की कैटेगरी में आते हैं, अंडर 50,000 वाली कैटेगरी, यानी कि शिशु. तो 50,000 में तो क्या ही बिजनेस किया जा सकता है. तो प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है, ये जवाब है इस पे कि देखिए ये वो लोग तो ना कहें, ऐसा प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, ये वो लोग तो ना कहें जो फ़ोन बैंकिंग करते थे. फ़ोन बैंकिंग एज यू वेरी वेल नो, वेरी वेरी पॉलिटिकली यूज टर्म, राइट, बाय द रूलिंग पार्टी ऑफ कोर्स. तो ये लोग कहते हैं कि आपके समय तो क्या होता था कि अगर लोन चाहिए तो बैंक को कॉल कर दो, क्योंकि इतने तो आप करप्ट थे एंड ऑल ऑफ दैट, है ना. तो फिर बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज को लोन मिल जाते थे ऐसे. तो आप नहीं समझ पाओगे मुद्रा का मतलब क्या है, ठीक है, जो माइक्रो फाइनेंस स्कीम है हमारी, जिसे कितने लोगों ने बेनिफिट किया है. तो ये सारी चीज़, और खुद को आप इकोनॉमिस्ट कहते हैं, ऐसा उन्होंने जवाब दिया है, ठीक है. और ये लिखा है, ही सेड 23 लाख करोड़ वर्थ ऑफ बैंक गारंटी फ्री लोन्स हैव बीन डिसबर्स्ड अंडर द स्कीम एंड मोर देन 70% ऑफ बेनिफिशरीज आर वुमेन. यू मस्ट नो अबाउट इट कि मोर देन 70% जो बेनिफिशरीज हैं वो वुमेन हैं. अब देखिए यहाँ पे बस इतना है, ब्राजील इज बैक सेज लूला ड्यूरिंग स्टेट विजिट टू चाइना. तो मिस्टर लूला द सिल्वा, आप जानते हैं प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, ही हैज गॉन टू चाइना. तो वो कह रहे हैं ब्राजील इज बैक. क्यों? क्योंकि जो जेआर बोल्सोनारो, जो इनके प्रेडेसेसर थे, उन्होंने आइसोलेशन में रखा हुआ था जितने टाइम तक उन्होंने रूल किया ब्राजील को. ब्राजील वॉज नो वेयर, इट वॉज नॉट इवन अ ग्लोबल प्लेयर, है ना. तो वो लूला द सिल्वा रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में दोबारा जो भी उन्होंने किया उसको रिवर्स कर रहे हैं. रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, ये करेंगे, सब बातें आप जानते हैं, ठीक है. इज अ लेफ्टिस्ट कैंडिडेट, इज अ लेफ्टिस्ट
प्रेसिडेंट, ठीक है, तो साथ में ये चीज़ तो है ही. ऑफकोर्स लेफ्टिस्ट है तो फिर आप सोचिए रशिया की तरफ थोड़ी सहानुभूति भी होगी, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट लेफ्टिस्ट, है ना, ये सारी चीज़ें, और थोड़ा चाइना की तरफ भी सहानुभूति होगी. तो वही चीज़ है, ऑल्दो चाइना और ब्राज़ील दोनों ही चाहते हैं कि हम मीडिएटर की तरह काम करें, यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को हम सॉल्व करवा पाएँ, तो पर दोनों को ही वेस्ट ट्रस्ट नहीं करता. क्यों नहीं ट्रस्ट करता? क्योंकि थोड़ा जो रशिया की तरफ इनका हमने कोजी बिहेवियर देखा है उसकी वजह से. अब देखिए यहाँ पे ब्राज़ील की जो ब्राज़ील के जो कैंडिडेट हैं, यू नो, वो बन चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स एनडीपी, तो 2025 तक रहेंगे. बस यही, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो.